लाड़िली मेरी श्यामा स्वामिनी श्री राधा राधा रमन रसना हुसी लड़ाई उभय किशोर बिहार रस परम प्रसाद ही पाय चौदह लोकनि भोगवत जिए नाना ना पाई कानन उदसी भजन विमुख पुनि पुनि पाप कमाई शिव वृंदावन दास महाराज कह रहे चौदह भवनों में तीनों लोकों में न जाने किन किन योनियों में गए कौन कौन से कर्म किए उनके परिणाम स्वरूप सुख या दुख संपत्ति या विपत्ति मान या अपमान निंदा या स्तुति प्राप्त किया लेकिन विश्राम नहीं मिला बड़ी कृपा हुई अब हमें वृंदावन धाम आने को मिला श्री धाम वृंदावन का परिचय मिला श्रीधाम वृंदावन की कृपा से रसिकों का संग मिला रसिकों की कृपा से श्री किशोरी किशोर श्री राधा रमण जी का नाम उपासना लीला गायन सेवा ये सौभाग्य मिला अब वृंदावन का आश्रय लेकर प्रिया प्रीतम का नाम जपते हुए अपने जीवन को रसमयी उपासना भगवतमयी भावना परम कल्याणमय परहित की भावना से कर्म करते हुए भगवत समर्पित जीवन व्यतीत करे तो इसी जन्म में परम लाभ प्राप्त हो जाए तो ही भटकत चली चली गए अज अनंत करी राज तु अंत दुख मनो प्रथम दिन आज चौदह भुवनों में भटकते हुए व्यतीत हो गया विभिन्न योनियों में जन्म लेते हुए समय व्यतीत हो गया ऐसा नहीं कि जो तुम सोच रहे हो तुम्हें कभी मिला नहीं तो तुम्हारी सोच ही नहीं होती यदि तुमने भोगा नहीं होता किसी जन्म में तो सोच नहीं होती हम धनवान बन जाएं, हम बलवान बन जाएं, हम खूब इंद्रियों का भोग भोगें तू कह रहे ही भटकत चली चली गए अज अनंत करी राज जैसा तू चाह रहा है ना ऐसा बहुत बार तू पा चुका है लेकिन तेरी तृष्णा कभी शांत नहीं हुई न आयो अंत दुख वही कामना वही तृष्णा वही वासना वही बार बार जन्म बार बार मरण अब अति कृष्ण दयालु है नर्तन दियो विचारि छाड़ी देह मिथ्या भ्रमणि बनरज में तन गारी अब भगवान श्री कृष्ण ने आप पर अहेतु की कृपा कर दी अहेतु की कृपा क्या मनुष्य शरीर महामहिम वृंदावन धाम में आना यहां कुछ दिन रहना या खंडवास और उसमें भी अत्यंत दुर्लभ महात्संगस्तु महापुरुषों का संग ये सब वाणी महापुरुषों की है महापुरुषों की बाणी सुनने का मतलब है महापुरुषों का संग कर रहे जैसे इसी वृंदावन दास जी की बाणी सुन रहे तो सीधे वृंदावन दास जी से आपका सत्संग हो रहा है चतुरासी जी सुन रहे हैं तो सीधे हरिवंश महाप्रभु से केली मालय तो सीधे स्वामी हरिदास जी से श्रीमद भागवत तो सीधे परमहंस शिरोमणि श्री सुखदेव जी से इतनी बड़ी कृपा हो गई कि ऐसे महामहिम धाम में आपको बैठकर भगवत चर्चा सुनने का नाम जब की भावना श्री जी की सेवा भावना बोले अब भ्रमित मत होना ये देह सुख भ्रमित करेगा दूसरे शरीरों के भोगने की इच्छा वस्तुओं के भोगने की इच्छा पद प्रतिष्ठा की इच्छा धन संग्रह की इच्छा अब भ्रमित मत होना श्री कृष्ण कृपा हो गई है वृंदावन की रज को शरीर में लगाओ और प्रिया प्रीतम का जस गाओ नाम जप करो बड़ा मंगल हो जाएगा रजकन के परताप को जान सके कही कौन कमलज उदो हरि सखा जा चित्र हो रज लगाओ शरीर पे तभी आपका शरीर निष्पाप होगा परम पवित्र भाव आने लगेंगे बोले ये रज कन का प्रताप वाणी से हम तुम्हें कैसे कहें वृंदावन रज का प्रताप कैसे वाणी से कहें अरे जिस रज की महिमा को थोड़ा जानने के लिए कमलज भगवान ब्रह्मा उद्धव और भी भगवान के प्रियजन जो रज शिव शन का दि के आचत सो रज शीष चढ़ाऊं किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं इस रजकन को शरीर में लगाओ बहुत जल्दी आपको निष्पाप करके भगवत राज्य में प्रवेश दे आपका भाव राज्य में प्रवेश हो जाएगा विश्वास मानो पर रजकन शरीर में लगा होना चाहिए जहां तृण होने के लिए उद्धव आदि याचना करते हैं कि तृण हो जाऊंगा लता औषधि कुछ बन जाऊं तो ब्रजवासियों की वृंदावन की चरण रज पड़ेगी तो हमारे को प्रेम प्राप्त हो जाएगा ये रज रानी प्रेम प्रदान करने वाली सदेवसी करण चूर्ण मनंत शक्ति तम राधिका चरण रेणु मनुष्य ये प्रभु को बहुत जल्दी अधीन करवा देती है रज रानी जिसके शरीर में रज लगी रहती है प्रभु बहुत जल्दी अधीन हो जाते हैं और अनंत शक्तियां जो इस रज में छुपी हुई है उसमें जागृत होने लगती है मान लो बात तो जान जाओगे बिना रज के शरीर नहीं रहना चाहिए स्नान करो तुरंत सूखी रज पूरे शरीर में अभिषेक करो वो लगी वो सब छोटे छोटे कण रोमकूपों में भर जाते फिर गीली रज से श्रृंगार करते हैं अपने दासत्व का ये चंदन श्री जी का कल का प्रसादी और ये रज रानी वृंदावन मानसरोवर राधा कुंड वृंदावन यमुना जी के पावन तट पर जो चिकनी रज है वो सब मिलाकर रज रानी तिलक रूप में ऊपर से चंदन प्रसादी तिलक रूप में और पूरे शरीर में सूखी रज पाउडर की तरह चाल के रख ली गई और उसको पूरे शरीर अब भी समझ में ना आवे तो दुर्भाग्य समझो असन बसन सज्जा विजन जल बीरी पान सेवत है प्रीत सो घट प्राण रजरानी का प्रताप ऐसा प्रकट होता है कि श्री जी की सेवा में प्रवेश हो जाता है श्री जी की सैया सजाना श्री जी को उपटन लगाना स्नान कराना सुंदर सुंदर पोशाक धारण कराना सुंदर श्रृंगार मणियाभूषण पुष्पाभूषण पुष्प मालाएं धारण कराना इत्र लगाना सुंदर भोग लगाना आरती करना फिर पान की बीरी पवाना फिर, फिर प्रसादी पान क्या अद्भुत सुख जो कहाँ सेवा हो रही बोले घट भीतर प्राण ये भावना में हो रही। भाव देश में अपने इष्ट को इस तरह से दुलार उपासक करने की सामर्थ्य पाता है वृंदावन रज रानी का सेवन करने थे इही बन बसी रस भजन रुचि मोहू रंचक देहु हे करुणानि लाड़ली ये बिनती सुन ले हे वृंदावन वासियों बहुत बड़ी निधि मिल गई छोड़ना मत और श्री वृंदावन दास जी करे आप सब कृपा करके मुझको भी थोड़ी कृपा दो कि मैं अखंड वृंदावन वासी बनू और हे करुणा निधि वृंदावनेश्वरी लाडली ये मेरी विनती सुन लो कि लोक और परलोक सुख मुक्ति भुक्ति दई पीठ हे राधे विपिनेश्वरी की जय कृपा सुदीठ लाडली जू आपके नाम राधा नाम जपने के प्रभाव से सीधाम वृंदावन की रज के प्रभाव से ना अब हमें किसी भोग की आकांक्षा रह गई है लोक परलोक के और ना हमें मोक्ष की बस एक चाह है अखंड वृंदावन वास मिले आपका गुण गाऊं और आपकी कृपा दृष्टि पाऊं जे जन वृंदावन बसत तिनके सुकृत अलेख भाव भीतरी दृष्टि सो निज परिकर सम देख जो वृंदावन वास कर रहे हैं चित्रगुप्त के पास न लेखनी है और न कागत है कि उनके पुण्यों को लिख सके अथा अगाध पुण्य केवल वास मात्र से और कहीं भजन कर रहे हैं तो चित्रगुप्त भी गुप्त हो जाएंगे लिखा पढ़ी का काम खत्म प्रधान लेखक भगवान श्री कृष्ण अनुल्लिख्यान तदपराधान मधुपति वो लेखा जोखा ही मिटा देते हैं अद्भुत महिमा सीधा वृंदावन और रजरानी का सेवन और राधा नाम का जब जो वृंदावन वास करते उन्हें भीतरी भाव प्राप्त हो जाता है भीतरी भाव अंतरदृष्टि में प्रिया प्रीतम नवनिवृत निकुंज और वह उनके साथ सेवा में छिन बिहरत -छिन संग छिन, -छिन निरखत प्रेम भरी छिन जस कहत अभंग यह जो कृपा हरिवंश की प्रत्येक क्षण वो प्रिया प्रीतम के साथ ही आंतरिक भाव देश से रहते हैं यह कैसे मिलता है वृंदावन की रज का सेवन रसिकों का संग नाम जब प्रगट सेवा किसी को मन वचन कर्म से कभी दुख ना देना तब श्री राधा अपनाई बन हैं सोई बिनुरी जे राधा कहो बास क्यों होई ध्यान दीजिए आप वृंदावन आए हैं तो पैसे के बल से नहीं आए हैं हमारी प्रियाजू की कृपा से आए हैं उन्होंने कृपा कर दिया तब आप आए हैं श्री राधिका कृपा बिन सबके मन नगम आप एक बार मन से भी नहीं आ सकते वृंदावन की सोच भी नहीं कर सकते प्रगट में आ गए तो मेरी लाडलीजू की कृपा और कह रहे अगर ठीक से चलोगे अपराध नहीं करोगे तो मेरी लाडलीजू अपने महल का वास दे देंगी तन का ना मिलेगा तो मन का मिल जाएगा और जिसको मन का वास मिल गया वो चिदानंद वृंदावन में प्रवेश पा जाएगा और जिसको तन का मिल गया है तो मन का भी मिल जाएगा क्योंकि रसिकों का संग मन से वृंदावन वास प्रारंभ करा देगा श्री राधा अपनाई के बन राखे हैं सोए बिनुरी झे राधा कुंवरी कहो बास क्यों होए बिना श्री जी की कृपा के वृंदावन आना और वृंदावन वास असंभव श्री वृंदावन वास कुंवरी जिनको दियो को जाने के सुकृत कौन पूरव कियो जिनको वृंदावन वास मिल गया हो भाग्य धन्य भाग पता नहीं कौन सा साधन बन गया पुण्य बन गया मेरी महारानी जो जीझ गई और महल का वास दे दिया धाम वास अब क्या करो प्रिया चरण आराधी साध तब लहो अश हरिह हाँ जो पूरित आनंद जुगल को सिंधु रस अब मन को समेट करके महारानी जी के चरणों में समर्पित कर दो मेरी महारानी श्री राधा रानी एकमात्र किशोरी जी के चरणों की ठसक तो लाल जो आपके आधीन और प्रियालाल का प्रेम रस आपके हृदय में प्रगट जन्म जन्म की बिगड़ी बन गई पूरी तनंद जुगल सिंधु प्रेम में प्रकाशित देखो बन जन प्रेम कौन विधि रही शोभा को फंद मत फे रही देखो वृंदावन की एक असीम कृपा होती है। वो मति को फेर देता है धीरे धीरे आपकी जो विषय संसार की मति है वो भागवतिक मति हो जाती है हृदय में शोभा प्रगट होती युगल सरकार की वृंदावन की कुंज निकुंजों की यमुना रस रानी की खगम्रग पशु पंछियों की चित्त का अपहरण हो जाता है फिर संसार के चिंतन लायक नहीं रहता चित्त सदैव श्री युगल सरकार की कभी शोभा का चिंतन कभी वृंदावन की कुंज निकुंजों का चिंतन वो अपने रूप फंद में फांस लेते हैं शोभा फंद में हमारे मन चित्त को फांस लेते हैं जो वृंदावन का आश्रय और स्वीकार करता है चलन देत नहीं अनत जास को कर गह हरिहा अतर की रचना धाम कहा रसना कहे वृंदावन पकड़ लेता है हमें पहले लगता था कि क्या वृंदावन पकड़ लेता है हम रहना चाहें तो रह सकते हैं नहीं रहना चाहे तो अभी चले जाएं लेकिन जब पकड़ लिया तब समझ में आया कि हम जी भी नहीं सकते जी ही नहीं सकते वृंदावन के सिवा हमारा अस्तित्व ही नहीं है वृंदावन से बाहर जाने की बात धक 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 होने लगा मन बुद्धि चित्त अहम ये पता नहीं कब चुरा लिए वृंदावन ने कुछ पता ही नहीं चला अपने अधीन कर लिया सच्ची मानिए नहीं जाना चाहो तो भी नहीं जा सकते जी नहीं सकते वृंदावन के बिना बोले चलन देत नहीं अनंत को कर गए हाथ जिसका पकड़ लिया फिर धाम से बाहर जाने की हिम्मत ही नहीं रह जाती वो प्राण दे दे सकता है लेकिन धाम से बाहर नहीं जा सकता ये अपार कृपा स्वामी जी की धाम का प्रिय भाव धाम में वास करना धाम में बार बार आके दर्शन करना धाम के प्रति भाव ये कि वृंदावन प्राण वृंदावन जीवन वृंदावन सर्वस्व वृंदावन गुरु वृंदावन हमारा मित्र वृंदावन जीवन बस आप खुद देख लेना कैसे वृंदावन सब संभालता है ये चिदानंद धाम है बड़ी कृपा है श्री स्वामी जी की कि अपने लोगों को श्री धाम वृंदावन का आश्रय वास और धाम वृंदावन में उपासना में जीवन दिया आपको एक मिनट फुर्सत नहीं है ऐसी दिनचर्या बनाई है श्री जी ने